जो कुछ भी गुलबर्गा वासियों को मिलना है वो नहीं मिल रहा है। पानी का सुविधा अधूरा है, अच्छे रोड नहीं है, यहाँ स्वच्छता नहीं है। ये कुछ लोग अधिकारी लोग बैठे 200 साल से, उनको हका देना चाहिए। और सरड़गी से पानी ला रहे हो, उसमें गुलबर्गा के गटार के पानी जाके मिलता। ये नजीर साहब के जमाने में बात चल रहा है, वही परमानेंट सोल्यूशन गुलबर्गा पानी के लिए है। गुलबर्गा शहर दिन ब दिन बढ़ रहा है, यहाँ पर पानी का सुविधा अधूरा है, अच्छे रोड नहीं है, यहाँ स्वच्छता नहीं है। और जो कुछ भी गुलबर्गा वासियों को मिलना है वो नहीं मिल रहा है। इसके बारे में मैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के सामने ये बात उठाया था, तो LNT को रिपेयर के लिए दिए, मेंटेनेंस के लिए। वो कहीं ना कहीं बाहर पानी बहता है, कोई कंट्रोल नहीं करता है। पानी का कमी पहले है और 24/7 करने का हम वादा किए, पानी नहीं है ना। बोस्का से पानी कम पड़ता और ये बेने तोरा पेरेनियल सोर्स नहीं है, कभी कभी पानी रहता कभी कभी नहीं रहता। और सरड़गी से पानी ला रहे हो, उसमें गुलबर्गा के गटार के पानी जाके मिलता। मैं कई बार बोला हूँ, जेवरगी कैनल से पानी उठा के गुलबर्गा को लाए तो वही परमानेंट सोल्यूशन गुलबर्गा पानी के लिए है। 24/7 तब हो सकता है, ये कोई सोच ही नहीं रहा। ये नजीर साहब के ज़माने में बात चल रहा है, उस वक्त बात किए थे हम नजीर साहब के साथ। तो परमानेंट पानी का समस्या हल करने के लिए ये काम होना चाहिए। और ये कुछ लोग अधिकारी लोग बैठे 200 साल से, उनको हका देना चाहिए। भाई बोलना हमारा हक है ना, कि सरकार मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं जनता का गुलाम हूँ।